I am a vice president of public sector employees and workers federation aur yahan pe ej ki qiyadat faiz ahmed shabnam senior vice president ki qiyadat mein jk cement ke employees ne yahan pe unki leadership ne yahan pe aaj protest organize kiya hai unki demand hai kuch hai ek to unki tankha pichle 2 3 mahino se band padi hai unka welfare fund jo 3 crore rupaye hai mulazimon ka wo gayab hai unka cp fund remit nahi ho raha hai aur wahan pe illegal appointment suvi hai unpaid log kaam kar rahe hain aur wahan ka managing director उसने इस इदारे को खसारे तक पहुंचाया है ये इदारा बंद होने की नौबत पर आ गया है अब मुलाजमीन आज मजबूर हो गए उन्होंने गवर्नमेंट तक ये बात बारहा पहुंचाई अपने रिप्रेजेंटेशन के जरिए उनसे मुलाकातें करके लेकिन अभी तक कोई उसमें खातिर खान नतज सामने नहीं आए हैं हम एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप यहाँ पे सरकार तक बिलखसूस ऑनरेबल गवर्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब शैलेंद्र कुमार जी जो हमारे एडवाइज़र बीबी व्या साहब हैं उन तक पहुँचना चाहते हैं कि जेके सीमेंट एक ऐसा इदारा था जो गवर्नमेंट को डिविडेंड देता था तो क्या वजह है कि आज वो खसारे पर पहुँच गया है इसमें एक कमीशन बिठाया जाए जो वहाँ पर इररेगुलरिटीज़ हुई है जो फाइनेंशियल इनडिसप्लिन हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनडिसप्लिन है आज वो 4-5 लोगों को एक ग्रोह बना के अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर वहां के लोग भूखे मर रहे हैं उनके पास तनख्वाह नहीं है उनके पास सीपी फंड नहीं है वो खसारे में है डिपार्टमेंट वो बंद होने जा रहा है सरकार इसमें एक कमीशन बिठाए जेके सीमेंट की हालत देखे क्या है वरना जो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की क्यादत है जो पब्लिक सेक्टर की जो फेडरेशन है वो सड़कों पे आकर सरकार के खिलाफ और इनके हक में ज़बरदस्त जदोजहद का ऐलान करेगी जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी आवाज दो जेके सीमेंट बचाओ जेके सीमेंट बचाओ जेके सीमेंट बचाओ आवाज दो मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी आवाज दो जेके सीमेंट बचाओ जेके सीमेंट बचाओ तनखा को तनखा को तनखा को एक कमीशन को आवाज दो करप्शन अफसर करप्शन अफसर।